हेलो फ्रेंड्स. सो लास्ट टाइम हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के ऑलमोस्ट क्वेश्चन शुरू कर दिए थे शीट्स में से, और आई थिंक अराउंड हम क्वेश्चन नंबर 15 तक पहुंच चुके थे, ठीक है, इन लास्ट सेशन. सो अब हम शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. बट देखो, आज भी आप कुछ कुछ नए चीजें सीखोगे. मैंने जैसे इंट्रोडक्शन सेशन में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या होता है एक ओवरऑल इंट्रोड्यूस तो कर दिया है, लेकिन मैंने कहा था कि बहुत बार आपको अभी नए नए वराइटीज से भी फैमिलियर होना है, ठीक है. एज अ इंट्रोडक्शन पार्ट आपको समझ चुका है, बट और भी क्या क्वेश्चन लैंग्वेज बदल सकता है, और भी क्या उसमें नया वैरायटी आ सकता है, वो सब हम देखने वाले हैं. सो लास्ट टाइम तक हमने काफी बेसिक वैरायटीज देखी थी क्वेश्चन नंबर 15 तक. अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 में देखो क्या है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये टॉपिक हमारा चल रहा है. 16 शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगा, और वो चीज है कि जब आपको ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट करना है, अरेंजमेंट यानी क्या, परम्यूटेशन. सो जब भी आपको परम्यूटेशन अप्लाई करना है कुछ ऐसे लेटर्स पर, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट पर जहां ऑब्जेक्ट ये रिपीटेड हो. फॉर एग्जांपल देखो, मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने आपको इक्वेशन इस वर्ड का इंट्रोडक्शन दिया था. आप सबको याद होगा इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैंने आपको इक्वेशन इस वर्ड का इंट्रोडक्शन दिया था कि इसमें क्या अलग अलग केसेस वो पूछ सकते हैं. बट आप सबने ऑब्जर्व किया था कि इस वर्ड में एक भी लेटर रिपीट नहीं हुआ है, एक भी लेटर नहीं. ई एक ही बार है, क्यू एक ही बार है, यू ए टी आई ओ एन सब की सब एक एक बार है, एक भी लेटर रिपीट नहीं हुआ है. और इस पर हमने सारी फिर जो भी केसेस थी, स्टार्ट विथ ई एंड्स विथ एन, वोवेल शुड बी टूगेदर, ऑल वोवेल शुड नॉट बी टूगेदर, ये सब चीजें हमने देखी थी. लेकिन सर ऐसी केस में हम क्या करें कि कुछ ऐसा वर्ड आ जाए जहां पर आपको इक्वेशन जैसा सीधा वर्ड ना देते हुए कोई टेढ़ा वर्ड दे दे. टेढ़ा वर्ड मतलब क्या, सर बनाना थोड़ा टेढ़ा होता है इसलिए आप इसको टेढ़ा वर्ड बोल रहे हो? नहीं, ये टेढ़ा वर्ड क्यों हुआ, क्योंकि देखो यहां पे ए रिपीट हो गया है तीन बार, एन रिपीट हो गया है दो बार. तो फिर ऐसी केस में हम क्या करेंगे, सर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, जो इक्वेशन था उसमें हमने जो 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 केसेस अप्लाई की थी एज इट इज केसेस में अप्लाई होगी. बिल्कुल सही है, एज इट इज केस अप्लाई होगी, लेकिन एक छोटे से मॉडिफिकेशन के साथ. याद रखना जब जब ऑब्जेक्ट रिपीट होता है तो आपने जो ऑल ओवेल शुड बी टूगेदर में क्या किया था, एक्सटर्नल इंटू इंटरनल, यहां पर भी वही करना है. स्टार्ट विद बी यहां पर भी वही करना है जो आपने यहां पे स्टार्ट विथ ई में किया था. सारी केसेस याद करो जो हमने इक्वेशन में देखी थी. तो फिर अलग क्या करना है सर, यहां पे एक छोटा सा मॉडिफिकेशन, एक फॉर्मूला है. देखना जब जब ऑब्जेक्ट रिपीट होता है तो उसका फॉर्मूला बन जाता है एनपीआर, यानी परम्यूटेशन का फॉर्मूला बन जाता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन वन फैक्टोरियल इंटू एन टू फैक्टोरियल इंटू एन थ्री फैक्टोरियल इंटू डॉट 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 डॉट. सर ये एन एन मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, और एन वन मतलब क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट का नंबर जो रिपीट हुए हैं, वो ऑब्जेक्ट का नंबर जो रिपीट हुए. मुझे बताओ यहां पे अगर मैं बनाना वर्ड लू, एक चीज आप लॉजिकली सोचो कि अगर मैं ये वाले ए को यहां कर दू, मुझे क्या करना है, ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट ही करना है, तो ये वाले ए को उठाकर यहां रख दू और ये वाले ए को उठाकर यहां रख दू, तो क्या आप इसका प्रोनाउंसिएशन बदलोगे? ये वाला ए यहां चला गया है और ये वाला ए यहां आ गया है, फिर भी आप इसको क्या पढ़ोगे, बनाना. मतलब आपने तो अरेंजमेंट कर दी, फिर भी आपको कोई नया ऑब्जेक्ट मिला, नया ऑब्जेक्ट मिला आपको नहीं मिला. अरेंजमेंट आप कर चुके हो लेकिन आपको ऑब्जेक्ट नया नहीं मिला है, ठीक है. बी ए एन ए मैंने कौन सी अरेंजमेंट की है, ये वाला ए यहां गया, ये वाला ए यहां आया, फिर भी हम इसको बनाना ही पड़ रहे हैं. So, ऐसी केस में आप क्या करें, मतलब यहां क्या हो रहा है, अननेसेसरी डुप्लीकेशन हो रहा है, क्लियर. सो अब ऐसी केस को टैकल करने के लिए ये बन गया फॉर्मूला, वेयर एन मतलब क्या, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट. देखो अगर मैं इक्वेशन पे जो यूज किया था, इक्वेशन को अगर मुझे अरेंज करना था तो मैंने क्या किया था, टोटल एन है 8, टोटल आर है 8, फॉर्मूला इज 8p8, आंसर इज 40320, यानी 8 फैक्टोरियल. लेकिन अगर बनाना पे मैं अप्लाई कर दू, एन कितना है 1 2 3 4 5 6, आर कितना है 6 6p6 6p6 मतलब ही क्या, 6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल होता है 720, 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1.
बट क्या वाकई में मैं बनाना इस वर्ड के लेटर्स को यूज करके 720 अलग अलग वर्ड्स बना सकता हूं? फोकस करना मेरे लैंग्वेज पे, अलग अलग वर्ड्स, क्योंकि आपको हमेशा क्या दिखाना होता है, कितने अलग अलग वर्ड्स आप बना सकते हो बाय अरेंजिंग दिस लेटर्स। तो इक्वेशन में तो वाकई में 40320 यानी 40,320 वर्ड्स पॉसिबल है, लेकिन बनाना में फॉर्मूला अगर मैं डायरेक्ट अप्लाई कर दू जिस तरह इक्वेशन में किया था तो आंसर आ रहा है 720। तो क्या वाकई में सिर्फ इस लेटर को यूज करके मैं 720 अलग अलग वर्ड्स बना सकता हूं? और मैंने आपको इसका आंसर पहले दे दिया कि ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि भले ही आपको दिखने के लिए 6 लेटर्स दिख रहे हैं लेकिन वो 6 लेटर्स नहीं है, बी ए एन, बस ये 3 लेटर हमारे पास है, बी ए एंड एन। हमारे पास ए रिपीट है, एन रिपीट है, बाकी लेटर्स हमारे पास है ही नहीं। सो देखे जाए तो सिर्फ 3 ही लेटर्स हमारे पास है, और मैंने आपको बता भी दिया कि किस तरह डुप्लीकेशन हो रहा है, ये ए यहां गया, ये ए यहां आ गया, फिर भी हम उसको बनाना ही पड़ रहे हैं। मतलब हमने एक अरेंजमेंट कर दी लेकिन फिर भी जो नया वर्ड बना वो वाकई में नया है ही नहीं। जो वर्ड बना है वो वाकई में नया है ही नहीं, वो वही है जो पहला था। तो हमेशा याद रखो, अब मैं आपको जो बताने वाला हूं वो एज अ रूल, एज अ फॉर्मूला, कि जब जब आपको ऐसे ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट करना है जहां कुछ कुछ ऑब्जेक्ट रिपीट हो जाते हैं विथ रिपीटेशन वाले, तो ऐसी केस में हमेशा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, एन फैक्टोरियल। एन मतलब क्या, जितने आपको दिख रहे लेटर सब, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहां पे एन क्या हो गया 6 फैक्टोरियल, अपॉन N1, N1 मतलब क्या, वो ऑब्जेक्ट का नंबर जो रिपीट हुए हैं। यहां मुझे बताओ रिपीट कौन कौन हुआ है, A हुआ है, कितनी बार, एक बार, दो बार, तीन बार, 3 times, तो ये बन गया N1। और कौन रिपीट हुआ है, N हुआ है, कितनी बार, एक बार, दो बार, ये बन गया N2। और कोई हुआ है, B एक ही बार है और इसके अलावा कोई लेटर भी नहीं है, सिर्फ A है जो 3 बार रिपीट हुआ है, N है जो 2 बार रिपीट हुआ है, और उसके अलावा सिर्फ कौन है, B, जो एक ही बार है, तो उसको नहीं भी लिखा तो चलेगा। सिर्फ वो ही ऑब्जेक्ट ढूंढो जो रिपीट हुए हैं, और वो रिपीट कितनी बार हुए हैं वो मतलब होता है N1, N2, N3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो गह खत्म। N1 क्या है, A रिपीट हुआ है 3 बार इसलिए 3 factorial, N2 क्या है, N रिपीट हुआ है 2 बार इसलिए 2 factorial, बस यहां पे बाकी और कोई नहीं है। सो 6 factorial होता है 720, 3 factorial होता है 3 × 2 × 1 यानी 6, और 2 factorial होता है 2 × 1 यानी 2। सो इस सबको डिवाइड करने के बाद आंसर आ गया आपका 60। देखो दोस्तों कितना ड्रास्टिक चेंज आया है, बिना फॉर्मूला यूज किए आपने क्या बता दिया था, अगर इक्वेशन वाला ही फंडा इस पर यूज कर दिया तो आपने बता दिया था कि सर 720 अलग अलग वर्ड्स पॉसिबल है, एन है 6, आर भी हम 6 लेंगे तो हम अलग अलग कितने वर्ड्स बना सकते हैं, 720, ये आपका आंसर था। बट मैंने कहा कि ये आंसर वाकई में करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि जब जब ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं होते हैं तो आप इस मेथड से जाओ, वो आपको परफेक्ट आंसर देता है, लेकिन कोई ऐसे परम्यूटेशन में जहां ऑब्जेक्ट्स रिपीट हुए हैं वहां ये चीज आपको क्या देता है, डुप्लीकेशन। और वो कैसे डुप्लीकेशन देता है, देखो मैंने दिखा भी दिया था, ये ए यहां गया, सपोज ये एन और एन में भी इंटरचेंज हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ना है, हम उसको बनाना ही पड़ेंगे। तो ये 720 भले ही आपको दिखा रहा है बट ये वाकई में फाइनल आंसर नहीं है, ये डुप्लीकेशन है। आपको क्वेश्चन पूछता है कितने नए नए वर्ड्स, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग वर्ड्स आप बना सकते हो, इस 720 में बहुत से वर्ड वो ही बनने वाले हैं जो कि त्यो है, बनाना बनाना ही बनेगा आफ्टर अरेंजमेंट ऑल्सो ड्यू टू रिपीटेशन। तो उस डुप्लीकेशन को कैसे हटाए सर, तो उस डुप्लीकेशन को हटाता है ये वाला फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल इंटू n3 फैक्टोरियल डॉट 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 डॉट। n यानी क्या, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो हमने देख लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6 उसका फैक्टोरियल, n1, n2, n3 ये सब क्या है, जो ऑब्जेक्ट रिपीट हुए हैं उनके नंबर्स। n रिपीट हुआ है 2 बार इसलिए 2 factorial, a रिपीट हुआ है 3 बार इसलिए 3 factorial, और कोई रिपीट हुआ है नहीं, खत्म। अब कैलकुलेट करो, आंसर आया 60। मतलब जहां आपने बोला था कि देर आर 720 अलग अलग वर्ड्स वो गलत हो गया, सिर्फ 60 अलग अलग वर्ड्स आप बना सकते हो, ओनली 60 डिफरेंट वर्ड्स यू कैन फॉर्म बाय अरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड बनाना। क्लियर?
तो याद रखो, अब से लेकर अब तक हम बेसिक चीजें देख चुके हैं, अब से लेकर कोई ऐसा परम्यूटेशन आपको पूछा गया है जिसमें ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो रहे हैं, तो हमेशा ये फॉर्मूला दिमाग में फिट करो और अप्लाई करो। बाकी रत्ती भर भी फर्क नहीं, सर अगर वोवेल शुड बी टुगेदर इसमें आया तो एज इट इज करना है जो आप करते थे, सर वोवेल्स ऑल वोवेल शुड नॉट बी टुगेदर आया तो एज इट इज करना है, एवरी वर्ड शुड स्टार्ट विद पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आया तो एज इट इज करना है, रत्ती भर भी फर्क नहीं है। जो आपने नॉर्मल इंट्रोडक्शन लेक्चर में सीखा था अलग अलग केसेस, वो केसेस वैसी की वैसे यहां अप्लाई करना है, लेकिन वो केसेस कहां अप्लाई होगी, न्यूमरेटर पे, और डिनोमिनेटर में आप क्या करोगे, उस डुप्लीकेशन का सेटलमेंट। ऑल वोवेल शुड बी टुगेदर में आप क्या करते थे, एक्सटर्नल अरेंजमेंट इंटू इंटरनल अरेंजमेंट, सेम यहां पर भी वो करना अगर आपको क्वेश्चन आ गया तो, ऑल वोवेल शुड बी टुगेदर, लेकिन ऑल वोवेल शुड बी टुगेदर में जो एक्सटर्नल इंटू इंटरनल है वो कहां पे अप्लाई करोगे, न्यूमरेटर में। मतलब अब तक आप परम्यूटेशन में जो करते थे वही करना है, लेकिन न्यूमरेटर में करना है। डिनोमिनेटर में आप यहां पे उस रिपीटेशन का, उस डुप्लीकेशन का सेटलमेंट करने वाले हो बाय दिस फैक्टर n1 फैक्टोरियल इंटू n2 इंटू n3 डॉट 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 डॉट। क्लियर, चलो लिख लो। सो इक्वेशन का तो आप देख चुके हो, बनाना से लिख लो, मतलब जब जब ऑब्जेक्ट रिपीट होगा क्या करना है, आपको समझ गया। ठीक है, अब देखो इसमें मैं आपको और एग्जांपल दे ही देता हूं। सपोज ऑल वोवेल शुड बी टुगेदर, एज इट इज आपको वर्ड दे दिया है बनाना, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स यू कैन फॉर्म बाय यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड बनाना, इस बनाना वर्ड के लेटर्स को यूज करके कितने अलग अलग वर्ड्स आप बना सकते हो सच दैट ऑल वोवेल शुड बी टुगेदर। उसने क्या कंडीशन दे दिया हमें, ऑल वोवेल्स शुड बी टुगेदर। ठीक है, सो अब देखो वोवेल्स कौन कौन है हमारे पास, ए ए ए, देखो इस बार ए यही एक वोवेल है हमारे पास, वो तीन बार आया है तो उसको हमें साथ में रखना है। जब जब टुगेदर वाली केस है, अब आपको बहुत अच्छे से पता करना क्या होता है। ठीक है, उसके अलावा कौन कौन है हमारे पास, बी है, एन है, एन है, सो ऑल वोवेल्स शुड बी टुगेदर। मैंने क्या कहा, अब वो आपको तीन तीन बार भी दिख रहा है ना, उसको बिंदास ले लो, क्योंकि उसका सेटलमेंट हम डिनोमिनेटर में करने वाले हैं। बिंदास वो तीन बार दिख रहा है तो उसको तीनों बार ले लो। ठीक है, सो टुगेदर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सटर्नल अरेंजमेंट इंटू इंटरनल अरेंजमेंट। ठीक है, एक्सटर्नल अरेंजमेंट इंटू इंटरनल अरेंजमेंट। ठीक है, सो अब यहां पे एक्सटर्नल अरेंजमेंट मतलब क्या, जिनको साथ में रखना है उनको एक बॉक्स में मैंने बंद कर दिया है, तो ये बाहर से देखने वाले को ये तीनों मिलकर एक ही ऑब्जेक्ट दिख रहा है, एक दो तीन चार, सो चारों का आपस में अरेंजमेंट फोर फैक्टोरियल इनटू, जैसे इंटरनल, इंटरनल मतलब क्या, जो बॉक्स हमने बनाया है उसमें अंदर जाकर ये तीनों जो ए है उनकी आपस में अरेंजमेंट, कभी ये ए यहां आ गया, कभी ये ए यहां आ गया, कभी ये ए वहां गया, तो इनकी आपस में अरेंजमेंट थ्री फैक्टोरियल। सर ये ए आपस में अदला बदली अगर होंगे तो भी क्या फर्क पड़ने वाला है, ये तो ए ए ही रहेंगे, तो रहने दो ना, उसका सेटलमेंट हम डिनोमिनेटर में करने वाले हैं। एक फिक्स डायरेक्शन में अगर आप सोचोगे तो आपको भी आगे दिक्कत नहीं रहेगी। एज इट इज ये तीन तीन है, उसका सेटलमेंट हम कहां करने वाले हैं, डिनोमिनेटर में। अभी फिलहाल आप क्या देखो, सिर्फ एक्सटर्नल इंटू इंटरनल, सारे वोवेल को साथ में रखना है, तो ये तीनों मिलकर एक ऑब्जेक्ट, दो तीन चार, इन चारों का आपस में अरेंजमेंट फोर फैक्टोरियल इंटू इंटरनल अरेंजमेंट, बॉक्स के अंदर जाके कितने ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, तीन, इन तीनों का आपस में अरेंजमेंट। और टुगेदर वाले क्वेश्चन आप ऑलरेडी अब काफी कर चुके हो, तो ये हो गया एक्सटर्नल इंटू इंटरनल। लेकिन अगर ये कोई ऐसा वर्ड होता था जिसमें ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं हुए होते थे तो यही हमारा फाइनल आंसर रहता था। ठीक है, लेकिन ये जो वर्ड उसने हमें दे दिया, यहां पर ऑब्जेक्ट रिपीट हुए है, ए तीन बार रिपीट हुआ है, एन दो बार रिपीट हुआ है, तो उसका सेटलमेंट हम क्या करेंगे, अपॉन डिनोमिनेटर में, अब जो रिपीट है उनका फैक्टोरियल और मल्टीप्लीकेशन।
कौन रिपीट है, ए, कितनी बार रिपीट है, एक दो तीन, इसलिए ए का 3 factorial इनटू, और कौन रिपीट है, एन, कितनी बार, एक और दो, उसका 2 factorial फिनिश। सो 3 factorial 3 factorial कैंसल, 4 factorial होता है 24, 2 factorial होता है 2, आंसर इज 12, खत्म। सिर्फ 12 अलग अलग वर्ड्स आप बना सकते हो, 12 डिफरेंट वर्ड्स बाय यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड बनाना सच दैट ऑल वोवेल शुड बी टुगेदर, ठीक है। सो कहां पर हमने सिर्फ कुछ एक अलग चीज की, वो है डिनोमिनेटर में। इक्वेशन वर्ड में भी हमने ऑल वोवेल्स टुगेदर वाली केस देखी थी, लेकिन वहां पे डिनोमिनेटर आया ही नहीं था। क्यों नहीं आया था, क्योंकि वहां पे ऑब्जेक्ट रिपीटेड नहीं थे। यहां पर ऑब्जेक्ट रिपीट हो गए हैं, तो यहां पे फॉर्मूला वही बना, टुगेदर में फॉर्मूला वही, एक्सटर्नल इंटू इंटरनल, न्यूमरेटर में हमने वही किया। जिसको साथ में रखना है एक बॉक्स, तो एक्सटर्नल यानी 1 2 3 4, अब चारों का आपस में अरेंजमेंट 4 factorial, इंटरनल यानी बॉक्स के अंदर जाके कितने ऑब्जेक्ट है, 3, तीनों का आपस में अरेंजमेंट 3 factorial अपॉन, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिपीटेड थे इसलिए उनका सेटलमेंट n1 factorial यानी 3 factorial इंटू n2 factorial 2 factorial, सो आंसर आ गया 12। सो बस आगे अभी हम डायरेक्ट शीट के क्वेश्चंस देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से, और जहां जहां रिपीटेशन आएगा वहां हम ये वाला फैक्टर हमेशा अप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर हम नॉर्मल केस के हिसाब से ही सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर में फैक्टर सेटलमेंट कर देंगे, ठीक है। ये लिख लो और देखना फिर क्वेश्चन नंबर 16। अब तक 16 हमने स्टार्ट नहीं किया है, जस्ट मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन दे रहा था, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्लियर, डन। क्वेश्चन नंबर 16। चलो क्वेश्चन नंबर 16 हम देखेंगे। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड पटना बी अरेंज, क्या क्वेश्चन है, पटना बी अरेंज। तुरंत एक ऐसा वर्ड आ गया है जहां कुछ कुछ ऑब्जेक्ट रिपीटेड है, कौन रिपीटेड है, यहां पे ए रिपीट हो रहा है 2 times, और जहां जहां ऑब्जेक्ट रिपीटेशन का केस आ गया वहां पे अब जो लास्ट वाला फॉर्मूला हमने देखा था वो अप्लाई कर दो। क्या फॉर्मूला था वो, एन पी आर इज इक्वल टू एन वन फैक्टोरियल अपॉन एन वन इंटू एन टू इंटू एन थ्री फैक्टोरियल डॉट 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 डॉट, एन यानी टोटल नंबर 1 2 3 4 5, रिपीटेड है नहीं रिपीटेड है सब छोड़ो, कितने लेटर दिख रहे गिन लो उसका फैक्टोरियल, अपॉन जो रिपीटेड ऑब्जेक्ट है सिर्फ उनका नंबर। तो यार रिपीटेड में सिर्फ ए है वो भी 2 बार, इसलिए अपॉन 2 factorial, खत्म। ये हो गया 120 अपॉन 2, आंसर इज 60, खत्म, टिक कर दो 60 पे। अब फॉर्मूला आपको समझ गया है तो बस एज इट इज अप्लाई कर दो, दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद देखो इसी क्वेश्चन को आगे चलकर उन्होंने बोला है, क्वेश्चन नंबर 17 कोई अलग क्वेश्चन नहीं है, इसी क्वेश्चन का बढ़ाया है। इन द अबो क्वेश्चन हाउ मेनी वर्ड्स विल स्टार्ट विथ पी एंड एंड विथ टी, मतलब वर्ड आपको सेम क्या दिया है, पटना, और वो बोल रहा है ऐसे कितने वर्ड इन्हीं लेटर्स को यूज करके ऐसे कितने वर्ड्स आप बना सकते हो जो कंपल्सरी स्टार्ट विथ पी है एंड एंड विथ टी है। मतलब आपको ऐसी केसेस भी हमने देखी थी इंट्रोडक्शन लेक्चर में जो कंपल्सरी पी से ही स्टार्ट होना है, आप पी को हिला ही नहीं सकते हो, टी से ही खत्म होना है, आप टी को भी हिला नहीं सकते हो, और जिन ऑब्जेक्ट को आप हिला ही नहीं सकते हो, सीक्वेंस में ले ही नहीं सकते हो, उनको हम काउंट ही नहीं करते हैं, बराबर। तो हमारे पास क्या हो गया केस, स्टार्ट विथ पी एंड एंड्स विथ टी में एक्चुअल हम सिर्फ इन 3 ऑब्जेक्ट के साथ खेल सकते हैं अदला बदली, सो आंसर इज 3 factorial। याद है इक्वेशन में भी हमने यूज किया था स्टार्ट विथ ई एंड एंड विथ एन,
तो ई और एन को हटा दिया था, बचे हुए सिर्फ छह ऑब्जेक्ट का हमने क्या लिया था, फैक्टोरियल। तो उसी तरह स्टार्ट विथ पी एंड एंड विथ टी है, तो इनको जब आप कंसिडर कर ही नहीं सकते हो रीअरेंजमेंट में, ये पत्थर की लकीर है, तो छोड़ दो इनको, जो बच गए सिर्फ उनको काउंट कर लो। सो और ये सब केसेस आप कहां देखते हो, न्यूमरेटर में। इस फॉर्मूला में दो चीज आती है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर तो सिर्फ क्या करता है, जो रिपीटेड ऑब्जेक्ट है उनका सेटलमेंट, यानी डुप्लीकेशन से बचाओ। लेकिन न्यूमरेटर क्या करता है, जो केसेस हमने सीखी है वो अप्लाई करता है। सो खत्म, पी गया टी गया, मतलब एक्चुअल अरेंजमेंट हो रही है सिर्फ तीन ऑब्जेक्ट की, इसलिए थ्री फैक्टोरियल अपॉन जो रिपीटेड है उनका सेटलमेंट। रिपीटेड कौन है, ए है, वो भी दो बार बस, सो उसका फैक्टोरियल। सो थ्री फैक्टोरियल यानी सिक्स, टू फैक्टोरियल यानी टू, आंसर इज थ्री, फिनिश। मतलब आप सिर्फ तीन अलग अलग वर्ड बना सकते हो बाय यूजिंग लेटर ऑफ दिस वर्ड पटना, सच दैट एवरी वर्ड शुड स्टार्ट विद पी और टी से खत्म हो, पी से स्टार्ट हो टी से खत्म हो। तो इन लेटर को यूज करके आप सिर्फ तीन अलग वर्ड्स बना सकते हो, ठीक है। तो देखो, जो स्टार्ट एंड वाली कंडीशन है वो हमने कहा यूज की, न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में फिर से सेटलमेंट कर दिया है रिपीटेड ऑब्जेक्ट का, लिख लो। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखना। द लेटर्स ऑफ द वर्ड कैलकटा एंड अमेरिका, कैलकटा एंड अमेरिका दो वर्ड आपको दे दिए हैं, आर अरेंज इन ऑल पॉसिबल वेज। इन दोनों वर्ड को जितने अलग अलग तरीकों से पॉसिबल वेज है, जितने अलग अलग तरीकों से अरेंज कर सकते थे उतने अलग अलग तरीकों से अरेंज किया, ठीक है। वो कितने तरीके हैं वो अब आप निकालना बहुत अच्छी से जानते हो, ठीक है। सो द लेटर ऑफ द वर्ड कैलकटा एंड अमेरिका आर अरेंज इन ऑल पॉसिबल वेज, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ दीज अरेंजमेंट इज। कैलकटा को अलग अलग तरीके से अरेंज करके नए नए वर्ड्स बनाए, वो कितने हैं निकाल लो। अमेरिका के लेटर्स को भी अरेंज करके नए नए वर्ड्स बनाए, वो कितने निकाल लो, और क्वेश्चन पूछ रहा है इन दोनों अरेंजमेंट का रेशियो ले लो, फिनिश खत्म। सो कैलकटा, अगर मैं कैलकटा के साथ चलूं तो यहां पे भी आपको क्या दिख रहा है, रिपीटेड ऑब्जेक्ट है। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैलकटा का एन फैक्टोरियल, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, यानी एट फैक्टोरियल अपॉन रिपीटेड। कौन कौन है कैलकटा में, देखो ए रिपीट हुआ है एक और दो बार, सी रिपीट हुआ है एक और दो बार, टी रिपीट हुआ है एक और दो बार, और कोई रिपीट हुआ है बस। सो टू फैक्टोरियल ए के लिए इंटू टू फैक्टोरियल सी के लिए इंटू टू फैक्टोरियल टी के लिए, जो ऑब्जेक्ट जितनी बार रिपीट हुए हैं उनके नंबर यहां लिख दो। ये हो गया कैलकटा का। अब अमेरिका का, अमेरिका ठीक है। सो अमेरिका का क्या आंसर आ जाएगा, एनपीआर अगेन, एक दो तीन चार पांच छह सात, सेवन फैक्टोरियल अपॉन, यहां पर भी रिपीट हुआ है, ए रिपीट हुआ है दो बार, यहां पर सिर्फ ए रिपीट हुआ है इसलिए उसका सेटलमेंट टू फैक्टोरियल। और क्वेश्चन आपको पूछ रहा है इनका रेशो, रेशो मतलब क्या, इसका जो आंसर आया है और इसका जो आंसर आया है उनको डिवाइड कर लो। सो देयरफॉर एट फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। कैलकटा का टोटल अरेंजमेंट अपॉन अमेरिका का टोटल अरेंजमेंट, ठीक है, इन दोनों का डिवीजन। अब देख लो 8 फैक्टोरियल को क्या मैं इस तरह लिख सकता हूं, 8 फैक्टोरियल मतलब क्या, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू टिल 1, तो मैं 8 इंटू 7 फैक्टोरियल पे स्टॉप कर सकता हूं। 8 फैक्टोरियल को पूरा 8 इंटू 1 तक ना लिखते हुए 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, क्योंकि 7 फैक्टोरियल मतलब भी क्या, 7 से लेकर 1 तक, बराबर। सो 8 फैक्टोरियल को 8 अलग कर दिया इंटू 7 फैक्टोरियल,
मतलब ये फिर से 7 से लेकर 1 तक आपको घूम फिर कर वही मिलेगा 8 फैक्टोरियल, ठीक है। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इजीनेस मैंने उसको 8 को अलग किया है, क्यों किया आपको अभी समझेगा। इनटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू, मुझे बताओ आपको अभी ये चीज पता है, फ्रैक्शन ऊपर गया तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल ले लो, ये क्या हो जाएगा, यहां पर वो 7 बाय 2 फैक्टोरियल है, ऊपर गया तो 2 बाय 7 हो जाएगा, सो 2 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल। अब देखो 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कैंसिल, आपको क्या मिला, ऊपर बचा सिर्फ 8, ये सिर्फ 8 है क्योंकि फैक्टोरियल ये 7 के साथ कैंसिल हो चुका है, फैक्टोरियल का सिंबॉल, ये सिर्फ बचा 8 अपॉन, नीचे बचा है एक 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल यानी 2 ही होता है, इनटू 2 फैक्टोरियल, ये भी 2 ही होता है और ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो चुका है, सो 8 बाय 2 इंटू 2 4 यानी 2 बाय 1, आंसर इज 2:1 फिनिश। सो फाइनल आंसर इज 2:1। सो बहुत इजी क्वेश्चन था, कैलकटा को ऑल पॉसिबल वेज में अरेंज किया, ये रहा आंसर, अमेरिका को ऑल पॉसिबल वेज में अरेंज किया, ये रहा आंसर, और दोनों का रेशियो पूछा है, बस चीजें कैंसिल हुई, फाइनल आंसर छोटा सा मिला 2:1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। अब 19 देखो एक अलग वैरायटी, द नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड दैट कैन बी फॉर्म्ड विथ 12 कॉन्सोनेंट एंड 5 वोवेल्स, टोटल कॉन्सोनेंट आपको दे दिया है 12 और वोवेल्स आपको दे दिया है 5, सो टोटल 12 कॉन्सोनेंट एंड 5 वोवेल्स है, सो आपको बोला है द नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड दैट कैन बी फॉर्म विथ 12 कॉन्सोनेंट एंड 5 वोवेल्स बाय टेकिंग 4 कॉन्सोनेंट एंड 3 वोवेल, लेना कितना है 4 कॉन्सोनेंट एंड 3 वोवेल फिनिश। सो क्वेश्चन आपको बोल रहा है कितने अलग 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 वर्ड्स आप बना सकते हो, नंबर ऑफ वर्ड्स यू कैन फॉर्म। सबसे पहले तो ये याद रखो कि अगर आपको वर्ड्स बनाना है बाय यूजिंग डिफरेंट लेटर्स, तो वहां पर क्या आती है, लेटर्स की अरेंजमेंट। आपको अगर हमने देखा है वर्ड लेटर, ये तो फेमस वैरायटी परम्यूटेशन की, आपको अगर अलग अलग वर्ड्स बनाना है तो आप अलग अलग वर्ड्स कैसे बनाते हो, दिए हुए लेटर्स को अरेंज 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 करके, मतलब यहां पर परम्यूटेशन पक्का यूज करना है, इतना फिक्स हो गया। जब जब वर्ड्स बनाने की केस है, नंबर ऑफ वर्ड्स यू कैन फॉर्म, तो याद रखो परम्यूटेशन बाय डिफॉल्ट पिक्चर में आएगा, क्योंकि वर्ड्स बनता है बाय अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स और अरेंजमेंट यानी परम्यूटेशन, सो यह परम्यूटेशन आ गया। अब और एक ट्विस्ट देखो इस क्वेश्चन का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसने हमें नंबर ऑफ वर्ड्स बनाने तो बोल दिया है, लेकिन उसने 12 कॉन्सोनेंट 5 वोवेल्स भी दे दिए, लेकिन वो बोल रहा है कि जो आप वर्ड्स बनाने वाले हो उसमें सिर्फ 4 कॉन्सोनेंट और 3 वोवेल्स होना चाहिए। देने के लिए उसने हमें 12 कॉन्सोनेंट और 5 वोवेल्स दिए हैं, लेकिन जो आप अलग 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 वर्ड्स बनाना चाहते हो उसमें सिर्फ 4 कॉन्सोनेंट और 3 वोवेल होना चाहिए। मतलब इस पूरे कॉन्सोनेंट और वोवेल्स के जो हमारे पास बॉक्स है, ऐसा समझो ये सब बॉक्स है, पिटारा है, इस पूरे पिटारे में से हमें सिर्फ क्या ढूंढना है, 4 कॉन्सोनेंट और 3 वोवेल सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा इसीलिए है क्योंकि अब शायद आप में से बहुत से लोगों को हिंट लग गई होगी मैं क्या बोलना चाहता हूं। एक चीज तो मैंने आपको बता दी कि यहां परम्यूटेशन यूज होगा क्योंकि नए नए वर्ड्स बनाना है, वर्ड्स बनाना है यानी लेटर्स को अरेंज करना है। दूसरी चीज,
लेटर्स जो हम नए नए वर्ड्स बनाने वाले हैं उसमें सिर्फ चार कॉन्सोनेंट और तीन वोवेल होना चाहिए, लेकिन देने के लिए उसने हमें कितना दे दिया है, 12 कॉन्सोनेंट एंड 5 वोवेल। इसका मतलब हमें इन 12 कॉन्सोनेंट में से सिर्फ चार कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करना है, इन 5 वोवेल्स में से 3 वोवेल्स सिलेक्ट करना है, और जहां जहां सिलेक्शन आता है वहां वहां कॉम्बिनेशन भी आ गया। समझ में आया ये हटके क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि यहां पर परम्यूटेशन भी आ रहा है, क्योंकि लेटर्स का अरेंजमेंट है नए वर्ड्स बनाने के लिए, और कॉम्बिनेशन भी आ रहा है क्योंकि कॉन्सोनेंट और वोवेल का सिलेक्शन है आउट ऑफ दिस टोटल कॉन्सोनेंट एंड टोटल वोवेल। तो दिस इज द मिक्स क्वेश्चन फ्रेंड्स, यहां पे आपको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों अप्लाई करना है, और याद रखो ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि परम्यूटेशन मतलब सिर्फ उससे रिलेटेड आएंगे, कॉम्बिनेशन मतलब सिर्फ इससे रिलेटेड आएंगे, दोनों का मिक्सचर भी आ सकता है, और उसका ये रहा सबसे बेस्ट एग्जांपल। तो चलो 12 में से मुझे चार कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करना है, सो 12C4। अब आपको ये चीजें तो पता है, सिलेक्शन कैसे करते हैं, कॉम्बिनेशन से, कॉम्बिनेशन यानी सी। सो टोटल कितने हैं, जो टोटल है वो एन, जितने लेना है वो आर, 12C4। एंड मुझे वर्ड्स में सिर्फ चार थोड़ी चाहिए ना कॉन्सोनेंट, वोवेल भी तो चाहिए, ठीक है। मुझे वर्ड में चार कॉन्सोनेंट एंड 3 वोवेल चाहिए, एंड यानी इनटू। टोटल वोवेल्स कितने हैं, 5, उसमें से मुझे कितने चाहिए, 3। एंड मैंने चार कॉन्सोनेंट ले लिए, 3 वोवेल ले लिए, अब अलग अलग वर्ड्स बनाना है। अब मेरे पास टोटल कितने ऑब्जेक्ट हो गए हैं, 7 ऑब्जेक्ट हो गए मेरे पास। अब उनको अलग अलग वर्ड्स बनाना है, मतलब इन सबका आपस में अरेंजमेंट, यानी 7P7 फिनिश। 12 कॉन्सोनेंट में से मुझे 4 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करने थे, सो 12C4, एंड 3 वोवेल्स भी लेना है, सो टोटल वोवेल्स 5 थे, उसमें से 3 वोवेल्स लेना है, 5C3। एंड मैंने 4 कॉन्सोनेंट ले लिया, 3 वोवेल ले लिया, अब इनका क्या आचार डालू, नहीं, मुझे अलग अलग वर्ड्स बनाना है। तो अलग अलग वर्ड्स बनाना है तो टोटल लेटर कितने हो गए मेरे पास, 4 कॉन्सोनेंट 3 वोवेल, कुल मिलाकर 7, उन 7 का आपस में अरेंजमेंट, 7P7। जब आए हुए लेटर्स को आप अलग 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 अरेंज करोगे तो ही तो आपको क्या मिलेगा, नए नए डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। सो बस आपको ऑप्शन किस फॉर्म में दिया है देख लो, ऑप्शन आपको दिया है, देखो उसने मिक्स फॉर्म में दिया, मतलब कॉम्बिनेशन को पूरा सॉल्व किया है और परम्यूटेशन का जो 7P7 यानी 7 फैक्टोरियल एज इट इज रखा है, तो हम भी कर लेंगे। 12 × 12C4 मतलब क्या, 12 × 11 × 10 × 9 upon 4 × 3 × 2 × 1 × 5 × 4 × 3 upon 3 × 2 × 1, कॉम्बिनेशन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों आता है, इंटू 7P7 को ही मैं लिख सकता हूं 7 फैक्टोरियल, क्योंकि उसने ऑप्शन में इस 7P7 यानी 7 फैक्टोरियल को एज इट इज रखा है, सिर्फ सॉल्व किया है इन दोनों को, तो खत्म। ये 4 और 3 ने मिलकर 12 को काट दिया, ये 2 5 10, 3 3 कट, ये हो गया 4 को डिवाइड कर दिया 2 से, सो 45 × 11 कितना हो गया, 4 95 × 10, ये 9 5 45, 45 × 11 495 × 5 × 2 10 × ये 7 फैक्टोरियल एज इट इज, फाइनल आंसर 4950 × 7 फैक्टोरियल फिनिश। यही ऑप्शन आपको दिया है, आंसर इज सी, 4950 × 7 फैक्टोरियल। बहुत अच्छा इजी लेकिन ट्विस्टेड क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि यहां पे आपको दोनों यूज करना था, कॉम्बिनेशन भी परम्यूटेशन भी, क्योंकि वर्ड्स बनाना है मतलब परम्यूटेशन बाय डिफॉल्ट आ गया पिक्चर में, और यहां पे पहले तो जितने कॉन्सोनेंट और वोवेल दिए हैं उनके वर्ड्स नहीं बनाना है, उसमें से किसी चार कॉन्सोनेंट और वोवेल्स में से भी किसी 3 वोवेल्स को सिलेक्ट करने के बाद जो 7 ऑब्जेक्ट हो गए लेटर्स हो गए उनके वर्ड्स बनाना है। लिख लो,
ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब थोड़ा बहुत इसी तरीके का क्वेश्चन नंबर 20 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 इन योर शीट, हाउ मेनी बैटिंग ऑर्डर्स आर पॉसिबल फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम। कितनी अलग अलग बैटिंग ऑर्डर्स आप बना सकते हो? मुझे एक चीज बताओ, बैटिंग ऑर्डर मतलब क्या? प्लेयर्स के सीक्वेंस का अरेंजमेंट। कभी सचिन तेंदुलकर ओपनिंग पे चला गया, तो कभी विराट कोहली आ गया, तो कभी धोनी आ गया। मतलब आप दिए हुए प्लेयर्स में कई सारी बैटिंग ऑर्डर्स बना सकते हो, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर्स मतलब क्या होता है? उन प्लेयर्स के सीक्वेंस का अरेंजमेंट, बराबर। और जहां सीक्वेंस अदला बदली, बैटिंग ऑर्डर मतलब क्या? प्लेयर्स जो पोजिशन पे बैटिंग के लिए उतर रहा है उसके पोजिशन की अदला बदली करो, उतनी आपको अलग 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 बैटिंग ऑर्डर्स मिलेगी। और जहां पर अदला बदली यानी सीक्वेंस चेंज हो रहा है, प्लेयर्स के ऑर्डर्स का अरेंजमेंट हो रहा है, वहां परम्यूटेशन आ गया। मतलब पहली ही लाइन पढ़कर आपको हिंट मिल गई, यह परम्यूटेशन पक्का अप्लाई करना है। हाउ मेनी बैटिंग ऑर्डर्स आर पॉसिबल, बैटिंग ऑर्डर्स मतलब प्लेयर्स के सीक्वेंस का अरेंजमेंट यानी परम्यूटेशन। फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम इफ देयर इज अ स्क्वाड ऑफ 15 टू चूज फ्रॉम सच दैट सचिन तेंदुलकर इज ऑलवेज चूजन। टोटल 15 प्लेयर्स है, 15 प्लेयर्स, उसमें से तो पहले आपको बैटिंग ऑर्डर मुझे बताओ, इंडियन क्रिकेट टीम में टोटल प्लेयर्स कितने होते हैं जो खेलते हैं, जिनकी बैटिंग ऑर्डर के बारे में हमें सोचना है? जो एक्स्ट्राज है उनकी बैटिंग ऑर्डर के बारे में हम कभी भी सोचेंगे नहीं, वो तो सिर्फ पानी वानी लेके आएंगे जाएंगे, टॉवेल वॉवेल लेके आएंगे जाएंगे। बैटिंग ऑर्डर हम किसके बारे में सोचेंगे? उन 11 प्लेयर्स के लिए जो टीम का पार्ट है। तो उसने टोटल हमें 15 प्लेयर दे दिए हैं और बैटिंग ऑर्डर पूरे इंडियन क्रिकेट टीम की बनाना है। टीम की बनाना है मतलब किसकी बनाना है? 11 प्लेयर्स की। तो 15 में से पहले 11 प्लेयर तो हमें सिलेक्ट करने पड़ेंगे। उसमें भी उसने एक ट्विस्ट दे दिया कि सचिन तेंदुलकर इज ऑलवेज चूजन। मतलब देखो, इन 15 प्लेयर में एक प्लेयर कौन है? सचिन तेंदुलकर। और एक प्लेयर कौन, बाकी 14 प्लेयर कौन है? अदर्स, अदर देन सचिन तेंदुलकर, ठीक है। सो मुझे बताओ, उसने सिर्फ इंडियन क्रिकेट टीम बोल दी, तो लॉजिकली आपने सोचा इंडियन क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर खेलते हैं एट अ टाइम? खेलने वाले 11 प्लेयर्स, ठीक है। 11 में से भी वो बोल रहा है कि आपके पास टोटल 15 प्लेयर्स का स्क्वाड है, 15 प्लेयर्स आपके सामने खड़े हैं, उसमें से सचिन तेंदुलकर को लेना ही है। तो मुझे बताओ, आपको टोटल प्लेयर 11 लेने थे, सचिन तेंदुलकर बाय डिफॉल्ट आ गया, इसलिए मैंने क्या किया, 15 में से उसको अलग कर दिया, सचिन तेंदुलकर अलग हो गया, बचे कितने? 14। 14 कौन है? ये अदर्स, जिसमें से आपको सिलेक्ट कितना करना है? आप 11 करोगे? नहीं, ओनली 10, क्योंकि सचिन तेंदुलकर तो बाय डिफॉल्ट टीम में आ गया है ना। अज्यूम करो 15 प्लेयर इस साइड में खड़े हैं और जो जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूं इस साइड में ले रहा हूं, तो बाय डिफॉल्ट सचिन तेंदुलकर ऑलरेडी यहां खड़ा ही है इस साइड में। तो सचिन तेंदुलकर सिलेक्टेड है, टीम मुझे बनानी है 11 प्लेयर्स की, सचिन तेंदुलकर ऑलरेडी है, तो मुझे अब कितने प्लेयर लेना है? 10 प्लेयर आउट ऑफ 14, क्योंकि 15 मत लेना आउट ऑफ, क्योंकि 15 में ऑलरेडी सचिन था, वो साइड में हो चुका है, अब आपके पास बचे कितने? 14, 14 में से लेना कितना है? 10। ये हो गई टीम बन गई, ठीक है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ये एक अलग बंदा है, उसकी एक अलग सिलेक्शन हो चुका है 1C1, ठीक है, इसलिए 1C1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमेशा सिलेक्टेड है ना, उसके बारे में सोचना ही नहीं। आपको पता है टीम बनानी है 11 प्लेयर्स की, क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर खेलते हैं जिनकी हम बैटिंग ऑर्डर के बारे में सोच सके, एक्स्ट्रास के बारे में हमें नहीं सोचना है। सो 11 में से क्वेश्चन खुद बोल रहा है सचिन तेंदुलकर टीम का पार्ट है, मतलब बचे कितने? 10। और वो 10 कहां से सिलेक्ट करोगे? जो प्लेयर्स बच गए उनमें से, अदर्स। सो 14C10, हमें क्या करना है यहां? सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन यानी कॉम्बिनेशन। अब बताओ मेरे पास कितने प्लेयर आ गए? 15 प्लेयर इस साइड में था, सचिन तेंदुलकर अकेला इस साइड में था यानी सिलेक्टेड था, तो 15 में से एक सचिन इधर आ गया था, बराबर, क्योंकि ही इज ऑलवेज चूजन, ही इज ऑलवेज सिलेक्टेड। तो अब बचे कितने? सिलेक्टेड में सचिन आ गया है, यहां 14 प्लेयर्स है,
14 में से भी 10 मैंने सिलेक्ट कर दिए, अब सिलेक्टेड टीम होगी 11 प्लेयर की। अब बैटिंग ऑर्डर मतलब क्या, इन 11 प्लेयर का आपस में अरेंजमेंट, और अरेंजमेंट यानी परम्यूटेशन, फिनिश, दिस इज द आंसर। उसने ऑप्शन इस बार भी लास्ट क्वेश्चन की तरह ही दिया है, परम्यूटेशन को एज इट इज रखा है, सिर्फ कॉम्बिनेशन को सॉल्व किया है। सो कॉम्बिनेशन 14 × 13 × 12 into, मुझे बताओ 14C10 को मैं 14C4 भी लिख सकता हूं, याद करो NCR इज ऑलवेज इक्वल टू NCN-R, ये वाला फॉर्मूला NCR, अगर मैं 14C10 बोल दू यहां पर, तो इसी को मैं इक्वालिटी में क्या लिख सकता हूं, एन जो का त्यो, यानी एन 14 ही रहेगा, सी आर को रिप्लेस कर रहा हूं N-R से, ठीक है। तो यहां एन है 14, आर है 10, N-R क्या हो गया 4। आप चाहे तो घर पे तसल्ली के लिए क्रॉस चेक कर लेना, जो आंसर 14C10 देगा वही डिक्टो आंसर 14C4 भी देगा, बट 14C10 इतना लंबा लिखू फिर कैंसिल करूं, इससे तो बेटर है मैं इसको 14C4 ही लिख दूं। ये फॉर्मूला मैंने सिखाया था आपको इसीलिए कि जब जब ये बड़े बड़े कॉम्बिनेशन आएंगे उसको आप छोटा कर दो, शॉर्टकट, ठीक है। सो NCR, यहां पे N अगर 14 है, R अगर 10 है, तो 14C10 इज इक्वल टू 14C 14-10, 14-10 इज 4, और 11P11 को ही क्या लिख सकता हूं मैं, 11 factorial, फिनिश। और 14C4, 14 का डिसेंडिंग में मल्टीप्लीकेशन 4 × 4 factorial × 11 factorial, 4 और 3 ने मिलकर 12 को काट दिया, ये हो गया 7। सो 7 × 13 = 78 इंटू कौन बचा 11, डिनोमिनेटर पूरा जा चुका है, इंटू 11 factorial, 78 × 11, फिनिश। 1001 × 11 factorial इज द आंसर, लिख लो। सो वही क्या, बैटिंग ऑर्डर बनाना यानी परम्यूटेशन था, बट उसके लिए पहले 11 प्लेयर सिलेक्ट करना था, 11 में से भी 15 में से सचिन ऑलरेडी इधर सिलेक्टेड में आ गया था, बचे 14 में से 10 सिलेक्ट कर लिए, हो गई 11 की टीम। देखो ये भले ही मैंने 10 सिलेक्ट किए बट सचिन तेंदुलकर बाय डिफॉल्ट हमारे साथ है 1C1, इसलिए अरेंजमेंट 11 का ही होगा, 10 को सिलेक्ट किया सचिन पहले से था, टोटल 11, इसलिए अरेंजमेंट 11 का ही होगा। सो फाइनल आंसर आ गया ये, क्लियर। सो ये था क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 21 नेक्स्ट देखना। द नंबर ऑफ वेज द लेटर ऑफ द वर्ड सिग्नल कैन बी अरेंज, सिग्नल वर्ड दे दिया आपको, कैन बी अरेंज such that the vowel occupy only odd position, ये वर्ड आपको दे दिया है सिग्नल, उसको कितने अलग अलग तरीकों से आप अरेंज कर सकते हो, सच दैट vowels शुड ऑक्यूपाई ओनली odd पोजिशन। अब मुझे बताओ odd पोजिशन इवन पोजिशन क्या, पहले वो बता देता हूं। यहां पे 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 लेटर का वर्ड है ये, तो ऑड पोजीशन कौन सी होगी, फर्स्ट ये ऑड है, थर्ड ये ऑड है, फिफ्थ ये ऑड है, तो ये जो सेकंड फोर्थ और सिक्स, तो वो क्या रहेगी इवन, सिंपल है ना, 1 3 5 क्या होता है ऑड, तो फर्स्ट पोजीशन थर्ड पोजीशन फिफ्थ पोजीशन ऑड है, 2 4 6 क्या होता है इवन, सो सेकंड फोर्थ सिक्स इवन है। तो क्वेश्चन आपको बोल रहा है कितने अलग अलग वर्ड्स आप बना सकते हो इसके लेटर्स को अरेंज करते हुए, सच दैट वोवेल शुड ऑक्यूपाई ऑड प्लेस। अब मेरे पास वोवेल कौन कौन से है, वोवेल है मेरे पास आई,
ए, बराबर, और कौन है? बस दो ही वोवेल है मेरे पास, तो वोवेल को अगर मुझे और पोजीशन ही देनी है, सो मेरे पास और पोजीशन है तीन, लेकिन वहां बैठाना कितने वोवेल है? दो। जो बात मैं बताने जा रहा हूं ठीक से समझो, मेरे पास और पोजीशन से तीन, लेकिन बैठाने हैं सिर्फ दो वोवेल। इसका मतलब क्या, ऐसा समझो वहां पे तीन चेयर्स थी और हम दो फ्रेंड गए वहां पर बैठने के लिए, तो हम दो चेयर तो हम जबरदस्ती इकट्ठा करके कोई इस पे एक ही बंदा बैठेगा ऐसा तो नहीं करेंगे कि दो चेयर को मिक्स कर दिया और उस पे एक अकेला इंसान बैठा है, ठीक है, ऐसा तो हम करेंगे नहीं। सो हम जैसे ही गए वहां तीन चेयर्स बैठी खड़ी थी, मतलब तीन चेयर्स वहां थी और हम दो फ्रेंड्स गए, तो हमें तो किसी दो चेयर पे बैठना है आउट ऑफ दिस थ्री चेयर्स। इसका मतलब हमें क्या करना है, उन तीन चेयर्स में से किसी दो चेयर को पहले तो सिलेक्ट करना है, ठीक है। तीन चेयर वहां पे है, एक दो तीन, हम दोनों गए, इन तीन में से किसी दो को सिलेक्ट करेंगे और फिर भलाई अदला बदली करेंगे, कभी मैं यहां बैठ गया मेरा फ्रेंड यहां बैठ गया, और कभी मेरा फ्रेंड यहां बैठ गया मैं यहां बैठ गया, या फिर इन दो चेयर्स को भी ले सकता हूं मैं और फिर से मतलब बदली कर सकते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन आपको बोल रहा है हाउ मेनी वर्ड्स यू कैन फॉर्म, इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड सिग्नल बी अरेंज। क्वेश्चन क्लियर कट अरेंज वर्ड यूज कर रहा है और अरेंजमेंट यानी क्या होता है, परम्यूटेशन। लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन में हम कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे, क्यों? क्योंकि मैंने एग्जाम्पल आपको बता दिया है, रीजन आपको बता दिया है। टोटल हमारे पास उसने बोला है सच दैट वोवेल शुड ऑक्यूपाई ओनली ऑड प्लेसेस। हमारे पास टोटल ऑड प्लेस कितनी है, एक दो तीन, लेकिन हमारे पास वोवेल कितने हैं, सिर्फ आई और ए यानी दो, तो तीन ऑड पोजीशन है, बैठाने सिर्फ दो वोवेल है, तो पहले तो दो पोजीशन मुझे सिलेक्ट करनी होगी और उसके बाद उनका अरेंजमेंट करना होगा, और इसलिए ये क्वेश्चन भी मिक्स हो गया। तो समझो आप क्वेश्चन कैसे कैसे लैंग्वेज में आ रहे हैं और हम कहां कहां पर वो दोनों टूल अप्लाई कर रहे हैं, परम्यूटेशन भी और कॉम्बिनेशन भी। एक था बैटिंग ऑर्डर का, तो पहले सिलेक्ट करना था फिर अरेंज करना था। एक था वो कॉन्सोनेंट वोवेल का, अगेन कॉन्सोनेंट वोवेल कुछ कुछ सिलेक्ट करने थे फिर डिफरेंट वर्ड्स बनाकर यानी अरेंजमेंट करने थे। और यहां पर भी क्वेश्चन ने क्लियर कट अरेंजमेंट बोला है, लेकिन यहां पर तीन ऑड पोजीशन उसने कुछ ऐसी कंडीशन दे दी हमें, उसके वजह से तीन ऑड पोजीशन होने के बाद दो वोवेल है और इसलिए हमें तीन में से दो जगह सिलेक्ट करनी है, 3C2। सो ये तीन में से पहले तो दो मैंने सिलेक्ट की और फिर उन दोनों का आपस में अरेंजमेंट, दोनों का आपस में अरेंजमेंट मतलब क्या, 2P2। 2P2 को आप लिख सकते हो 2 factorial। चलो मैं और थोड़ा डिटेल में लिख रहा हूं, 2P2 मतलब क्या किया, अभी तक मैंने सिर्फ इन वोवेल को ही सेटल किया है, तीन में से किसी दो जगह को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट यानी कॉम्बिनेशन, और उनका आपस में अरेंजमेंट। मैं उनका देखो आपस में अरेंजमेंट क्यों कर रहा हूं, अगर मैं उन सब लेटर्स का साथ में अरेंजमेंट कर दिया और गलती से ये ऑड इवन पे चला गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। जिस किसी के बारे में आपको क्वेश्चन ने कंडीशन दी है उसको अलग ही रखो, उसको अलग ही टैकल करो, ठीक है, क्योंकि ये ऑड पोजीशन है, ये इवन है, इन छह की छह पोजीशन का मैं आपस में अरेंजमेंट करूंगा। तो यहां पर सपोज मैंने एक वोवेल को बैठाया है, वो सब आपस में अरेंज हो रहे हैं, तो ये वाला वोवेल अगर इवन वाले से इंटरचेंज हो गया, अरेंज हो गया, तो क्या हो जाएगा, वोवेल आ जाएगा इवन प्लेस पे जो क्वेश्चन को नहीं चाहिए। तो याद रखो जिसके बारे में क्वेश्चन है उसको हमेशा अलग ही टैकल करो। वोवेल्स के बारे में क्वेश्चन है वो भी ऑड पोजीशन पे, तो तीन में से दो सिलेक्ट कर ली और उन दोनों को आपस में अरेंज किया, मतलब ये वाला वोवेल अगर यहां जाएगा फिर भी ऑड पे रहेगा, ये वाला वोवेल अगर यहां गया फिर भी ऑड पे रहेगा, मतलब वो जहां पर भी दोनों वोवेल बैठे है वो बैठ कर रहा है पक्का किसी एक ऑड पोजीशन पर ही बैठ रहा है, क्योंकि मैंने ये जो दो चेयर्स उनके लिए सिलेक्ट किए, दो पोजीशन सिलेक्ट की, वो कहां से की है, ऑड पोजीशन में से ही की है, तीन ऑड पोजीशन में से किसी दो, तो वो दो जहां भी एक दूसरे से इंटरचेंज करेंगे वो घूम फिर कर ऑड पे ही आएंगे, ऑड वाला ऑड पे ही जाएगा, दूसरा वाला भी उसके जगह अगर आ गया तो ऑड पे ही आएगा, तो इसलिए आपस में अरेंजमेंट। अब बच गए कितने लेटर्स, अब बच गए हमारे पास एक दो तीन और किसी एक पोजीशन। देखो इन तीन ऑड में से मैंने सिर्फ दो ही सिलेक्ट की है,
इन तीन चेयर में से जैसे मैंने दो ही चेयर सिलेक्ट की थी, तो कोई नया बंदा अगर आया तो उसके लिए ये चेयर हमेशा खाली रहेगी। उसी तरह इन तीन ऑड पोजीशन में से मैंने सिर्फ दो ही वोवेल है मेरे पास, तो दो ही पोजीशन अगर सिलेक्ट की, कोई भी दो, तो थर्ड पोजीशन हमेशा खाली रहेगी। तो ये थर्ड पोजीशन और ये तीन इवन पोजीशन बच गए, कितने? चार। और चार पोजीशन बच गई है और हमारे पास वर्ड्स लेटर्स भी कितने बचे हैं? एक, दो, तीन, चार। सो लेटर्स भी चार बचे, पोजीशन भी चार बची, उन चारों पोजीशन का आपस में अरेंजमेंट। मतलब मैं क्या करूंगा, उन चारों को पहले आपस में सिलेक्ट कर लूंगा, मतलब उन चार जगहों में से मुझे चार जगह सिलेक्ट करनी है। बट आपको पता है एन सी एन इज ऑलवेज वन, इसका मतलब फोर सी फोर इज ऑलवेज वन। तो ये आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, आप सीधा क्या कर दो, इन चारों का आपस में अरेंजमेंट। मतलब जिसके बारे में क्वेश्चन था उसको अलग से टैकल किया और बचे हुए का अलग से टैकल। सो खत्म। 3c2 मतलब 3 into 2 upon 2 into 1, 2p2 मतलब 2 factorial and 4p4 मतलब 4 factorial, 2 2 cancel, answer is 3 into 2 factorial is 2, 4 factorial is 4 into 3 into 2 into 1, 24, so final answer 48 into 3, 144 is the answer. जिसके बारे में क्वेश्चन है हमेशा उसको अलग ही रखो। ये जो सर्कल है वो पहले मैंने क्वेश्चन को सेटिस्फाई किया है, और सर्कल के बाद जो लिखा है ना 4p4, वो यानी बचा हुआ सारे टर्म्स। वोवेल को ऑड पोजीशन पे चाहिए, तीन पोजीशन ऑड थी मेरे पास क्योंकि ये सिक्स लेटर का वर्ड है, तो तीन ऑड में से वोवेल दो ही है, सो तीन में से किसी दो पोजीशन को सिलेक्ट किया, उन दोनों की आपस में अरेंजमेंट कर ली 2p2 into, हिसाब तो पूरे छह पोजीशन का देना है, अब तक मैंने तो सिर्फ दो का ही दिया है, क्वेश्चन पूरे छह पोजीशन का है, तो दो का हो गया, बचे कितनी? चार पोजीशन। और मेरे पास अभी लेटर्स भी कितने बचे? चार, एस जी एन एल, तो उन चारों को बचे हुए चार पोजीशन पे बैठा दिया, ठीक है, और उनकी आपस में अरेंजमेंट। चारों को चार पोजीशन पे बैठा दिया मतलब फोर सीट बची थी, चार लोग आए, चारों कोई ना कोई सिलेक्ट कर लेंगे, सो 4c4, 4c4 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप लिख भी लेते हो 4c4, सो इसका आंसर क्या होता है? वन ही होता है। सो ये 2p2 हो गया, 4c4 इज 1 और 4p4 इज 4 फैक्टोरियल। चारों को चार पोजीशन पे सिलेक्ट करके बैठा तो दिया, और उन चारों की हम आपस में अरेंजमेंट कर सकते हैं, सो उनकी आपस में अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल। तो याद रखो जिनके बारे में क्वेश्चन है उनकी अरेंजमेंट, ऐसे टाइप के, खासकर ऐसे टाइप के क्वेश्चन में जिसके बारे में क्वेश्चन है उनकी अरेंजमेंट अलग ही करो, ठीक है, और जो बच गए उनकी अरेंजमेंट अलग करो। यहाँ पे वोवेल की क्वेश्चन था तो वोवेल की अरेंजमेंट अलग, और वोवेल के अलावा जो है उनकी अरेंजमेंट अलग लिख लो। ऐसे और भी वराइटीज हम अभी देखने वाले अगले क्वेश्चन में, लेकिन ये फर्स्ट क्वेश्चन था थोड़ा हटके, इसलिए डिटेल में जा रहे हैं हम। ठीक है, सो ये क्लियर है सर? ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 21। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, थोड़ा बहुत इसी टाइप का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या क्वेश्चन है? इन हाउ मेनी वेज कैन बी लेटर्स ऑफ द वर्ड वायलेंट, वर्ड आपको दिया है वायलेंट, वी आई ओ एल ई एन टी, लेटर्स ऑफ द वर्ड वायलेंट बी अरेंज सो दैट द वोवेल ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस ओनली। लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, सिर्फ उसमें वोवेल ने सिर्फ ऑड प्लेस ऑक्यूपाई किए थे, इस बार वोवेल सिर्फ इवन प्लेस ऑक्यूपाई। खत्म, थोड़ा वायलेंट में बेसिकली प्लेसेस कितने आती है? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, टोटल सेवन लेटर, सेवन प्लेसेस। इस बार वोवेल को इवन प्लेस ही देना है, इवन यानी ये हो गया इवन, सेकंड, देन फोर्थ आएगा इवन, देन सिक्स्थ आएगा इवन। और हमारे पास वोवेल कितने हैं? हमारे पास वोवेल है आई ओ E, टोटल वोवेल से तीन, टोटल प्लेसेस से तीन, कोई टेंशन नहीं है, तीन वोवेल से तीन प्लेसेस से,
तो क्या करना है, इन तीन प्लेसेस में से तीन ओवल के लिए तीन जगह सिलेक्ट कर लो। अब मैंने करा है, अगर n और r इक्वल है, n एंड r आर इक्वल मतलब n c n बन जाएगा ये, क्योंकि r भी क्या है वही है जो n है, सो n c n इज ऑब्वियस। हम तीन दोस्त गए लास्ट टाइम, क्या था तीन चेयर्स थे और हम सिर्फ दो दोस्त गए थे, इस बार क्या हो रहा है हम तीन दोस्त गए और चेयर्स तीन है, तो कितने अलग अलग तरीकों से हम चेयर सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने का सवाल ही नहीं ना, तीनों तीनों एक एक चेयर पर बैठ जाएंगे, मतलब पॉसिबल वे कितना है ओनली वन, तीन चेयर्स बाहर थी हम तीनों चले गए, तीनों एक एक चेयर पर बैठ गए, सो पॉसिबल वे एक ही है कि तीनों के तीनों जाओ और चेयर सिलेक्ट अपनी अपनी चेयर पर बैठ जाओ। अरेंजमेंट हम अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं, कभी मैं यहाँ बैठूंगा, कभी मेरा फ्रेंड यहाँ बैठेगा, तीसरा फ्रेंड यहाँ बैठेगा, कभी मैं बीच में आ जाऊंगा, कभी मैं एक्सट्रीम राइट में चला जाऊंगा। अरेंजमेंट हम उन तीन चेयर को लेकर अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन तो एक ही वे है, तीनों की तीनों जाओ और तीन चेयर पर बैठ जाओ, ओनली वन पॉसिबल वे। सो लास्ट टाइम तीन चेयर थी यानी तीन प्लेसेस से दो ओवल थे, इसलिए 3C2। इस बार वोवेल को इवन प्लेस पर बैठाना है, तो इवन प्लेस हमारे पास कितनी सी है, सेकंड फोर्थ और सिक्स यानी तीन प्लेसेस है, और इस बार वोवेल भी कितने हमारे पास आई ओ ई, सो तीन प्लेसेस है, तीन लेटर्स है, सिलेक्ट कर लो 3C3। अगर ये नहीं भी लिख देते तो चलता था, ठीक है, क्योंकि 3C3 का आंसर ही क्या होता है, लास्ट टाइम लिखना कंपल्सरी क्यों था, क्योंकि थ्री प्लेसेस थी और दो ओवल थे, इसलिए 3C2 का आंसर अलग आता है, बट इस बार प्लेसेस भी थ्री है, वो वेल भी थ्री है, सो 3C3 आंसर इज 1। क्लियर इनटू, ये तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ जाकर अभी तक बैठे हैं ना चेयर्स पे, हम आपस में अदला बदली तो कर सकते हैं, यानी अरेंजमेंट कर सकते हैं, और जिसके बारे में क्वेश्चन है ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी है लास्ट क्वेश्चन में, जिस किसी के बारे में क्वेश्चन है उसकी अरेंजमेंट अलग रखो और बचे हुए ऑब्जेक्ट की अरेंजमेंट अलग रखो। अभी भी क्वेश्चन किसके बारे में है, वोवेल्स के बारे में, तो वोवेल्स कितने हैं तीन, उनको इवन प्लेस पे बैठाना था, तो तीन इवन प्लेस में से तीनों प्लेस सिलेक्ट कर लिए और इन तीनों की आपस में अरेंजमेंट, तीनों की आपस में अरेंजमेंट। अब बच गए कितनी पोजीशन, एक दो तीन चार, और हमारे पास बचे भी कितने लेटर्स, एक दो तीन चार, तो अगेन इन चार में से चार जगह सिलेक्ट कर लो, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा क्योंकि फोर सी फोर भी वन है, इन टू बड़ी चारों का आपस में अरेंजमेंट, अरेंजमेंट है परम्यूटेशन, ठीक है। सो देखो यहाँ पे आपको अलग अलग वर्ड्स बनाना है, क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पे आपको लेटर्स का अरेंजमेंट करना है, क्वेश्चन बोल रहा है, तो परम्यूटेशन तो बाय डिफॉल्ट आएगा, ठीक है। लेकिन जैसे लास्ट क्वेश्चन में हुआ था, हमारे पास पोजिशन ज्यादा थी, वोवेल्स कम थे, तो ऐसी केस में सिलेक्शन भी पोजीशन ज्यादा है और बैठाने वाले जो वोवेल्स है वो कम है, तो ऐसी केस में पहले तो सिलेक्शन भी आता है, तो ऐसी केस में वो क्वेश्चन क्या बन जाता है, मिक्स क्वेश्चन। परम्यूटेशन तो बाय डिफॉल्ट है क्योंकि वर्ड्स का है, नया नया वर्ड्स बनाना है, लेटर्स को अरेंज करना है, क्वेश्चन खुद बोल रहा है, और कॉम्बिनेशन साइड में आ जाता है, परम्यूटेशन क्वेश्चन खुद डिमांड कर रहा है, कॉम्बिनेशन आपको सपोर्ट के लिए आता है, क्योंकि पोजीशन तीन ही है, बैठाने दो ही थे, तो इसलिए सिलेक्शन करना पड़ा, तीन में से किसी दो का सिलेक्शन, सिलेक्शन यानी कॉम्बिनेशन, ठीक है। यहाँ पे कोई टेंशन नहीं था, यहाँ पे आप कॉम्बिनेशन नहीं भी यूज करते तो चलता, क्योंकि तीन इवन प्लेस थी, बैठाना तीन था, 3C3 इज वन होता है, बच गई चार जगह, बैठाने चार थे, 4C4 भी वन होता है, मतलब तीन पोजिशन पर तीन इवन प्लेसेस पर तीन मोबाइल को बैठा दिया और उनकी अरेंजमेंट ये हो गया क्वेश्चन का डिमांड। उसने सिर्फ क्या बोला था कि इवन प्लेस पे सिर्फ वोवेल बैठेगा, तो आपने इवन प्लेस पे वोवेल को बैठा कर उनकी अरेंजमेंट कर ली, ये पहले तीन पोजीशन पे तीनों को बैठाया यानी सिलेक्ट किया और इनकी अरेंजमेंट कर ली, ठीक है। और ऐसी केस का रूल आपको पता है, जिसके बारे में क्वेश्चन है उसको अलग करो, बचे हुए को अलग करो, क्वेश्चन था वोवेल के बारे में, ये हो गया उनका, बची चार जगह, चार में से चार को बैठाना था तो इसलिए चार जगह सिलेक्ट कर ली और उनका आपस में
ठीक है। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22। अब और एक थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आ जाए इसलिए हम एक क्वेश्चन और इसी टाइप का देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 वही है, आपको ऑलरेडी कॉन्फिडेंस एक क्लैरिटी आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लो, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर ऑफ द वर्ड ट्राइंगल सो दैट वो विल ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। वही चीज है, सिर्फ वर्ड बदल दिया है, ट्राइंगल सच दैट वोवेल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। अब ट्राइंगल में क्या प्लेस आती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऑड प्लेस, यानी क्या फर्स्ट थर्ड फिफ्थ एंड सेवेंथ, ये सब क्या है ऑड प्लेसेस। इन शॉर्ट हमारे पास ऑड प्लेसेस कितनी है, 1, 2, 3, 4, और वोवेल्स कितने हैं, इसमें वोवेल है हमारे पास आई ए ई, वोवेल्स है 3। तो यहां पर तो कॉम्बिनेशन बनता ही है, बिना कॉम्बिनेशन आप कर ही नहीं सकते हो। अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन जो था वायलेंट, वहां पे आप कॉम्बिनेशन नहीं भी यूज करते तो चलता था, क्योंकि जितने प्लेसेस थे उतने वोवेल थे। लेकिन मैंने कहा है कि अगर प्लेसेस ज्यादा है, बैठाने वाले कम है, तो वहां पहले तो आपको सिलेक्शन करना ही पड़ेगा। चेयर 3 है, बैठने वाले 2 ही है, तो पहले सिलेक्ट करो। 3 चेयर है, 3 लोग है, तो डायरेक्ट बैठ जाओ, क्या सिलेक्शन करना है, ठीक है। बट इस बार देखो ऑड प्लेसेस पे बैठाना है वोवेल को, ऑड प्लेसेस है 4 और वोवेल है हमारे पास 3, सो किसी 4 में से 3 ही जगह पर वोवेल्स बैठेंगे। इसका मतलब 4 में से कोई 3 ही जगह वोवेल सिलेक्ट करेंगे, सो 4C4, और जिसके बारे में क्वेश्चन है उसका अलग से अरेंजमेंट कर दो। क्वेश्चन है वोवेल्स के बारे में, सो 4 में से किसी 3 पर उनको बैठा दिया और उन तीनों का आपस में अरेंजमेंट कर दिया। एंड यानी इनटू, मतलब क्वेश्चन था वोवेल के बारे में, उसका अरेंजमेंट हमने कर दिया। अब बचे कितने, इन 4 में से वोवेल किसी 3 ही जगहों पर बैठे हैं, तो एक जगह बच गई है, बराबर। इन 4 में से 3 जगह ऑक्यूपाई हो चुकी है, एक बच गई है, और उसके अलावा क्या बची है, 1, 2, 3, 4, ये चारों इवन प्लेस भी बच गई है। तो चारों इवन प्लेसेस बच गई है, इन 4 में से किसी 3 जगह ही वोवेल बार बार बैठेंगे, एक जगह हमेशा बचेगी, सो 4 वो इवन और एक जो बच गई है, टोटल पोजीशन 5, और बैठने वाले भी 1, 2, 3, 4, 5, सो 5 लोगों को 5 जगह बैठा दो। 5C5 मतलब 5 चेयर है, 5 जाकर उस पर बैठ जाएंगे, यानी 5 चेयर को सिलेक्ट करेंगे, इनटू वो 5 को आपस में अरेंज कर दो, फिनिश। सो आंसर क्या बना, 4C3 is 4, क्योंकि 4C3 को ही आप अगेन हमारे फॉर्मूला से क्या लिख सकते हो, NCR = NCN - R, इस फॉर्मूला से आप इसको लिख सकते हो, 4C3 को ही 4CN - R, यानी 4 - 3 = 1। 3P3 यानी क्या होता है, 3 factorial, और 3 factorial यानी 6। 5C5 5 चेयर बचे थे, 5 के 5 जाकर वहां बैठ गए, तो एक ही पॉसिबिलिटी है, सब जाओ और बैठ जाओ, सिलेक्शन का कोई सवाल ही नहीं। सो इसलिए 5C5 नहीं भी लिखते चलता था, उसका आंसर बनी है इनटू 5 factorial, 5 factorial इज अगेन 120, ठीक है। अब देखो ऑप्शन आपको किस फॉर्म में दिया है, अच्छा ऑप्शन आपको फैक्टोरियल फॉर्म में रखा है, मतलब 5P5 को हम 5 factorial ही रखते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 6, 4 × 6 कितना होता है, 4C1 4 होता है, इंटू 6 24 × 1 = 24 × 5 factorial, ये हमारा आंसर है। अब 24 × 5 factorial तो आपको कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आप डी ऑप्शन देखोगे, हम सर कहीं नहीं दिख रहा है, मतलब हमारा गलत हुआ है, 100% हम करेक्ट है, सिर्फ हमने कुछ अलग तरीके से निकाला है, उसने ऑप्शन हमें कुछ अलग तरीके से दिए। हमारा आंसर क्या आ गया है, 24 × 5 factorial, डी ऑप्शन देखो उसका क्या है, 4P3 × 5 factorial, 4P3 मतलब क्या, 4 परम्यूटेशन है, तो आप कैसे सॉल्व करते हो, 4 का डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लीकेशन 3 times, ठीक है, परम्यूटेशन में सीधा 4 का डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लीकेशन 3 times, इसलिए 4 × 3 × 2 × 5 factorial, 5 फैक्टोरियल को एज इट इज रखो, 4 × 3 × 2 कितना हो गया, 24 × 5 factorial, हो गया डिक टू आंसर मैच, D is the answer. उसने जानबूझकर हमारा 24 × 5 factorial आया है, उसने 24 × 5 factorial ना देते हुए 24 की जगह उसने 4P3 लिख दिया है, सो 4P3 को ही सॉल्व करने के बाद हमें 24 मिल गया।
So 24 into 5 factorial, उसने भी as it is रख दिया, हमने भी as it is रख दिया, answer match हो गया, D is the answer. आप चाहे तो A, B, C तीनों चेक कर लेना घर पे, तसल्ली के लिए match नहीं होगा, क्योंकि D पूरी तरह match हो रहा है. So याद रखो, ये एक और छोटी सी नई चीज आप सीख लिए कि इस तरह भी वो खिलवाड़ कर सकते हैं, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है. अपने मेथोडोलॉजी पे, अपने कंसेप्ट पे कॉन्फिडेंस रखो और चेक करो कि शायद उसके कोई ऑप्शन में ट्विस्ट हो और हमारा आंसर उसके कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है, देखो और आंसर निकालो, लिख लो. सो एज इट इज क्वेश्चन था, वोवेल को इस बार ऑड प्लेसेस पे बैठाना था, ऑड प्लेसेस थी चार, वोवेल थे तीन, तो चार में से किसी तीन जगहों को सिलेक्ट किया और उनकी वापस में अरेंजमेंट कर दी. हमेशा जिसके बारे में क्वेश्चन है उनको पहले सेटल कर दिया, एंड अब जो बच गए, क्योंकि टोटल प्लेसेस तो आठ है, हिसाब आठ का ही देना है आपको, ये तो सिर्फ तीन का हुआ है, तो बच गई पांच जगह, और जग गया बची पांच जगह है, पांच पोजीशन है और पांच लेटर्स भी है, ये पांचों की पांचों कंसोनेंट, इन पांचों को पांचों पर बैठा दिया, यानी 5C5 और उनकी आपस में अरेंजमेंट, यानी 5P5. ये आ गया आंसर. ठीक है, सो इसका क्वेश्चन नंबर 23. नो क्वेश्चन नंबर 24. यो क्वेश्चन नंबर 24. हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर ऑफ द वर्ड ट्राइंगल. अगेन आपको ट्राइंगल ही वर्ड दिया है और इसके लेटर को यूज करते हुए कितने अलग अलग वर्ड्स आप बना सकते हो. सो दैट, अब देखो कंडीशन, नो टू वोवेल्स आर टुगेदर. इसमें आपको जितने भी वोवेल्स दिख रहे हैं, कौन कौन वोवेल्स है इसमें, आई, ए और ई, ये कभी भी साथ में नहीं आना चाहिए. सर तो कोई टेंशन नहीं, हमने एक देखा ही है ना, आपने हमको जब केसेस पढ़ाई थी तो उसमें ऑल वोवेल्स शुड बी टुगेदर बताया था, उसके बाद टूरन नॉट टुगेदर बताया था, तो बस वो अप्लाई कर देना, टोटल माइनस टुगेदर. ऐसा सोच रहे हो आप तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि देखो वो जो क्वेश्चन था वो क्या था, ऑल वोवेल्स शुड नॉट बी टुगेदर, मतलब सारे के सारे वोवेल साथ में नहीं चाहिए. दो वोवेल साथ में है तो चलेगा, सपोज आपके पास टोटल पांच वोवेल्स दिए क्वेश्चन में, तो उसमें से दो वोवेल साथ में चलेगा, तीन वोवेल साथ में चलेगा, चार वोवेल भी साथ में तो भी चलेगा, सिर्फ पांचों की पांचों साथ में नहीं चाहिए. All vowels should not be together. और इस क्वेश्चन में जो पूछा है, no two vowels should be together. इन दोनों कंडीशन में जमीन आसमान का फर्क है. All vowels should not be together मतलब क्या, अगर आपके पास पांच vowels है तो पांचों के पांचों साथ में नहीं चाहिए, चार साथ में चलेंगे, तीन साथ में चलेंगे, दो साथ में चलेगा और एक तो चले गई. लेकिन क्वेश्चन आपको बोल रहा है no two vowels should be together मतलब आपके पास अगर पांच vowel है तो दोनों, कोई भी दो वोवेल साथ में कभी नहीं चाहिए, मतलब दो भी नहीं चलेंगे, ठीक है, तीन तो बिल्कुल नहीं चलेंगे क्योंकि तीन में दो वोवेल साथ में आती है, चार भी नहीं चलेंगे, चार में भी दो वोवेल कम से कम साथ में आती है, पांच भी नहीं चलेंगे, मतलब ऑल वाली चीज भी नहीं चलेगी, क्योंकि पांचों साथ में आ गए इसका मतलब दो वोवेल तो साथ में आ ही रहे हैं. क्वेश्चन को अब समझ चुके हो आप, वो वाली कंडीशन अलग थी, ये वाली कंडीशन हम पुल हमारे लिए पूरी तरह नहीं है, हम फर्स्ट टाइम उसको अब टैकल करने वाले हैं. तो याद रखो यहां पर स्टूडेंट, मैं ये आपको जताकर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि स्टूडेंट यहां गड़बड़ करते हैं. नो वोवेल शुड बी टुगेदर आ गया, नो टू वोवेल शुड बी टुगेदर में भी वो नेवर टुगेदर वाली केस अप्लाई कर देते हैं, वो नेवर टुगेदर वाली केस ऑल वोवेल्स, ऑल वोवेल्स, ऑल वोवेल्स के लिए है, ऑल वोवेल्स शुड नॉट बी टुगेदर उसके लिए थी. क्या थी वो, टोटल में से टुगेदर टुगेदर वाली केस हटा दो, आपको जितनी बच गई वो नेवर टुगेदर मिलेगी, जिसमें सारे वोवेल साथ में नहीं थे, सारे की सारे. बट इस बार हमें सारे वोवेल के बारे में वो पूछ ही नहीं रहा है, वो क्या बोल रहा है, No two vowel should be together. मतलब दो vowel भी साथ में नहीं चाहिए. इसका मतलब देखो, हमारे पास
कोई भी वोवेल को, वोवेल कितने हमारे पास, एक दो तीन, कोई भी वोवेल को हमें साथ में नहीं रखना है, मतलब कंपलसरी हमेशा उनके बीच में हमें किसको रखना है, कॉन्सोनेंट को, वोवेल्स को अलग करना है, कोई भी दो वोवेल साथ में कभी नहीं आना चाहिए, 36 का आंकड़ा इनका, दुश्मन है, मिलेगी झगड़े करते हैं, और इसीलिए उनके बीच में हमेशा कोई ना कोई मेडिएटर चाहिए जो इनको दूर रखे, और वो मेडिएटर कौन रहता है, अगर वोवेल को साथ में नहीं रखना है तो मेडिएटर का काम कौन करेगा, कॉन्सोनेंट, ठीक है। सो देखो कॉन्सोनेंट कौन कौन है मेरे पास, टी आर एन जी एल, ये मेरे पास कॉन्सोनेंट है, और वोवेल्स है मेरे पास, आपने वोवेल्स भी देख ही लिए, वोवेल्स है आई ए एंड ई। सो अब कंपलसरी मुझे अगर किसी भी वोवेल्स को साथ में नहीं रखना है तो मुझे हमेशा वोवेल्स के बीच में कॉन्सोनेंट चाहिए ही चाहिए। इसका मतलब मैं वोवेल को कहां रख सकता हूं, एक ये पोजीशन है, अब मैं वोवेल्स के लिए पोजीशन काउंट कर रहा हूं, एक वोवेल को मैं यहां भी रख सकता हूं, एक वोवेल को इन दोनों के बीच में, एक वोवेल को इन दोनों के बीच में, मतलब मैं वोवेल को कहां कहां, अगर मैं कॉन्सोनेंट को इस तरह से अरेंज कर दू तो वोवेल कहां कहां आ सकता है, एक दो तीन चार पांच छ, सो टोटल पोजीशन कितनी है, छह, लेकिन हमें बैठाने कितने हैं, सिर्फ तीन वोवेल, मतलब वही वाली बात हो गई, छह चेयर्स थी बट हमें सिर्फ तीन ही लोगों को बैठना है, तो पहले तो हमें थ्री चेयर्स क्या करनी होगी, सिलेक्ट। उसी तरह वोवेल क्वेश्चन में सिर्फ तीन है लेकिन एक भी वोवेल साथ में नहीं आना है तो उनको हमेशा कंसोनेंट के आसपास में रखना होगा, और वो हमने काउंट कर लिया कि कंसोनेंट के आसपास में रखा तो भी कितनी पोजीशन है, एक दो तीन चार पांच छह, देयर आर सिक्स पोजीशंस, और उसमें हमें फिट कितने वोवेल को करना है, सिर्फ तीन को, तो इन छह में से किसी तीन पोजिशन को पहले सिलेक्ट करना होगा, सिक्स सी थ्री, सिलेक्शन यानी कॉम्बिनेशन, अब ये चीज आपको पता है, और फिर उनको आपस में हम अरेंज करेंगे, अरेंजमेंट यानी परम्यूटेशन। देखो गलती से भी अगर मैं यहां पर भी जिसके बारे में क्वेश्चन है उसको अलग से अरेंज करो, बचे हुए ऑब्जेक्ट को अलग से अरेंजमेंट करो, लास्ट तीन चार क्वेश्चन से हम इसी टाइप का देख रहे हैं, जिसके बारे में क्वेश्चन है उनका अरेंजमेंट अलग, जिस जो बच गए उनका अरेंजमेंट अलग, क्योंकि गलती से भी अगर मैं सबको साथ में अरेंजमेंट कर दूं और यहां का यहां में कौन बैठने वाला हूं, वोवेल, ये वोवेल अगर आर की जगह चला गया और आर इसके जगह आ गया तो क्या हो जाएगा, वोवेल यहां पे आ गया, यहां पर भी वोवेल है, दोनों वोवेल साथ में आ जाएंगे जो कि हमें नहीं चाहिए। मैं वोवेल वोवेल का अलग से अरेंजमेंट और बाकियों का अलग से अरेंजमेंट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर मैं सबका साथ में अरेंजमेंट कर दिया तो ये वोवेल गलती से यहां आ गया, सबका अगर मैं साथ में करूंगा तो ये वोवेल ने इसको रिप्लेस कर दिया और आर यहां पे आ गया तो ये भी वोवेल हो जाएगा और ये भी वोवेल है, दोनों साथ में आ जाएंगे जो क्वेश्चन को नहीं चाहिए, इसलिए वोवेल को हमेशा आपस में अरेंज करो, ये वोवेल यहां जाएगा चलेगा, ये वोवेल यहां आ जाएगा फिर भी उनके बीच में कॉन्सोनेंट हमेशा रहेगा, ये वोवेल यहां आ जाएगा, ये वोवेल यहां आ जाएगा, कोई फर्क नहीं फिर भी इनके बीच में कॉन्सोनेंट हमेशा रहेगा, तो आखिरी तक इन वोवेल को हम साथ में लाएंगे नहीं जो कि क्वेश्चन को चाहिए, ठीक है। नो टू वोवेल शुड बी टुगेदर, तो पहले मैंने कॉन्सोनेंट को अरेंज कर दिया और देख लिया कि वोवेल को कहां कहां बैठा सकता हूं मैं, कॉन्सोनेंट के आसपास में अगल बगल में, सो छह पोजीशन थी, छह में से तीन ही वोवेल को बैठाने थे तो सिक्स में से थ्री पोजीशन सिलेक्ट कर ली और उनकी आपस में अरेंजमेंट कर ली, एंड एंड यानी इन टू, क्योंकि हिसाब तो सबका देना है, अब तक तो आपने सिर्फ तीन ही वोवेल का हिसाब दिया है, आपके पास ये बचे हुए पांच कॉन्सोनेंट भी है इनका भी हिसाब देना है, तो इनको क्या करोगे आप, इन पांचों को आपस में अरेंजमेंट कर लोगे, फाइव पी फाइव फिनिश, इन पांचों का आपस में अरेंजमेंट करो क्योंकि इनको तो आप पहले बैठा चुके हो, आपने क्या किया है, पहले कॉन्सोनेंट को अरेंज कर दिया है, बैठा दिया है कितने पोजिशन पे, एक दो तीन चार पांच, पांच पोजिशन थी, पांच पोजिशन पे आप इनको बैठा चुके हो, इसलिए उनमें कोई सिलेक्शन का सवाल ही नहीं, और उसके बदौलत आपने फिर वोवेल के लिए जगह ढूंढी है क्योंकि वोवेल को अलग रखना है तो पहले कॉन्सोनेंट को बैठाना जरूरी था, फिर उनके आसपास में आपने वोवेल के लिए जगह ढूंढी और उसमें से किसी तीन वोवेल के लिए जगह सिलेक्ट की और उनको बैठा कर अरेंज कर दिया, ठीक है। और फिर कॉन्सोनेंट को आप आपस में अरेंजमेंट कर सकते हो, आपको हर वोवेल के बीच में कॉन्सोनेंट चाहिए लेकिन जरूरी थोड़ी कि इन दो वोवेल के बीच में सिर्फ टी हो,
आर भी आ सकता है, एन भी आ सकता है, इन दो वोवेल के बीच में टी भी जा सकता है। सो कॉन्सोनेंट का आपस में अरेंजमेंट जो कि आप डिनोट होगा 5 फैक्टोरियल। ठीक है, सो क्वेश्चन जो चाहता था उसको आपने अलग से टैकल कर दिया, इनटू जो बचे हुए ऑब्जेक्ट थे, बचे हुए ऑब्जेक्ट कौन थे, वो वेल खत्म। सो बचे हुए ऑब्जेक्ट थे कॉन्सोनेंट, उनका अलग से अरेंजमेंट। तो ये हो गया 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 3p3 मतलब 3 फैक्टोरियल, 5p5 मतलब 5 फैक्टोरियल। ऑप्शन किस फॉर्म में आपको दिया है? ऑप्शन वही फॉर्म में आपको दिया है, फैक्टोरियल फैक्टोरियल फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको 5 फैक्टोरियल को तो एज इट इज रखते हैं। इसमें देखो क्या हो गया, 3 2 1, ये 3 2 1 भी क्या होता है, 3 फैक्टोरियल 3 × 2 × 1, सो 6 × 5 × 4 एज इट इज। ये 3 × 2 × 1 मतलब ही क्या, 3 फैक्टोरियल × 3 फैक्टोरियल × 5 फैक्टोरियल, ये दोनों एज इट इज। ये 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कट, 6 × 5 × 4 मतलब ये आप लिख सकते हो 6p3 × 5 फैक्टोरियल। ये है रहा आपका बी ऑप्शन। अगर मैं देखो चाहता तो इसको पूरा कैलकुलेट करके भी आंसर निकालता था, बट कोई फायदा ही नहीं, ऑप्शन आपको सब उसने थोड़ा कंफ्यूज मैनर में दिए हैं, एक कांस्टेंट फिगर में नहीं दिया है, तो मैंने ऑप्शन के हिसाब से उसको थोड़ा ढलना चाहा। उसको 5 फैक्टोरियल एज इट इज चाहिए था, मैंने 5 फैक्टोरियल एज इट इज रखा। बाकी जो मैंने इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व किया था उससे 3 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 6 × 5 × 4 को आप लिख सकते हो 6p3। और जैसे ऑप्शन देखा, ये एज इट इज आंसर आपको बी में दिखा है। देख लो, क्रॉस चेक कर लो जाए तो 6p3 क्यों लिखा, क्योंकि 6p3 को आप फिर से अगर एक्सपांड करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 का डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम्स। परम्यूटेशन है तो बस इतना ही रहता है, 6 का डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम्स, यानी 6 × 5 × 4। स्टॉप, हो गया 3 बार, आ गया आंसर। इसका ये लिखो, इसका ये लिखो, एक ही बात है, इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, सो एक बार मैं आपको फिर से अलर्ट कर देता हूं कि नेवर टुगेदर इस क्वेश्चन में और हमारे नॉर्मल क्वेश्चन में क्या था, वो वाला क्वेश्चन क्या था, ऑल ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी टुगेदर, ऑल वोवेल शुड नॉट बी टुगेदर। वहां पे किस वर्ड पे फोकस करो, ऑल, तो वहां पे आपको सारे वोवेल को साथ में नहीं रखना था, इसलिए टोटल में से सारे वोवेल के साथ में रहने की कंडीशन को आपने माइनस कर दिया, आपको मिला ऑल वोवेल शुड नॉट बी टुगेदर। बट ये वाला नॉट टुगेदर का है, लेकिन उस वाले इससे उसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये नो टू वोवेल शुड बी टुगेदर है, वहां पे सारे वोवेल साथ में नहीं चाहिए थे, यहां पे कोई दो वोवेल भी साथ में नहीं चाहिए। फर्क समझ गया, बहुत है, वहां पे सारे के सारे वोवेल साथ में नहीं चाहिए थे, यहां कोई दो वोवेल्स भी साथ में नहीं चाहिए। तो कोई दो वोवेल्स भी अगर साथ में नहीं चाहिए तो उसको सॉल्व करने का तरीका ये रहेगा, पहले कॉन्सोनेंट को लिख लो, उनके अगल बगल में कितनी जगह है उसमें से जितने वोवेल है वो जगह सिलेक्ट कर लो, उन वोवेल का आपस में अरेंजमेंट कर लो, इन टू फिर जितने कॉन्सोनेंट है उनका आपस में अरेंजमेंट। क्लियर, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। ठीक है, सो अभी के लिए क्वेश्चन नंबर 24 तक हम देख चुके हैं, अब इसका एक लास्ट सेशन जो आखिरी के क्वेश्चन आपकी शीट में बचे हैं वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ठीक है, सो पीएनसी में बेसिकली 2 सेशन तो आपके इंट्रोडक्शन में गए, और अभी 3 सेशन से लगातार हम नए नए क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, जो हमने केसेस पढ़ी उससे रिलेटेड, कुछ नए लैंग्वेज रिलेटेड, कुछ नए कंसेप्ट रिलेटेड, और 1 सेशन अभी भी इसका रहेगा जो हम आपके बचे हुए क्वेश्चन शीट्स के सारे कवर करेंगे, और उस सेशन में भी आप कुछ और नई वैरायटी सीखने वाले हो, सबसे इंपॉर्टेंट सर्क्यूलर परम्यूटेशन, ये आप सीखने वाले। अब तक आपने जब भी परम्यूटेशन यूज किया, ऑब्जेक्ट को अरेंज किया, लेटर्स को अरेंज किया, वो कहाँ किया, रो वाइज, एक सीधे लाइन में रो वाइज। लेकिन अब आप सीखोगे कि ऑब्जेक्ट को अगर सर्कुलरली अरेंज करना है,
सर्कुलर टेबल पर अगर लोगों को बैठाना है, गेस्ट को बैठाना है, तो किस तरह से उसका फंडा अप्लाई होगा, किस तरह से फॉर्मूला बदलेगा, वो आप देखोगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही अब आपकी शीट में बचे हैं और कुछ छोटी मोटी छोटी मोटी वैरायटीज आप देखोगे और ये टॉपिक फिनिश होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट सेशन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे, मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन दूंगा सर्कुलर परम्यूटेशन का एज इट इज है, वो भी उसमें इतना पूरा सेशन नहीं जाएगा इंट्रोडक्शन में, क्योंकि उसकी भी ए टू जेड कंसेप्ट मेथोडोलॉजी वही है, सिर्फ थोड़ा सा छोटा सा फॉर्मूला कहां बदलेगा वो मुझे आपको बताना है, तो वो मैं आपको बताऊंगा पहले, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस और बचे हुए सारे आपके शीट के जो क्वेश्चंस हैं वो हम फिनिश करेंगे। क्लियर, गुड डे।